तो विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया गया। यह दिवस द लेडी विद द लैम्प के रूप में विश्वविख्यात फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में मनाया गया। आपको बता दें कि जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध काल के दौरान दवाइयों की कमी, स्टाफ की कमी और अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देते हुए सेवा की नई मिसाल कायम की थी। वहीं वर्तमान में कोरोना महामारी में पूरे विश्व के नर्सिंग कर्मी डॉक्टर समर्पित भाव से सेवाएं दे रहे हैं। इस उपलक्ष्य में जयपुर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर सभी नर्सिंग कर्मियों को बधाई दी है। स्थिति से गुजर रहा है, बड़ा भयंकर मामला है। मैं बताना चाहता हूं, प्रतिवर्ष की भांति जो बड़े स्तर पर नर्सेज दिवस मनाया जा रहा था, आज हमने कोरोना के लिए उसे समर्पित कर दिया। उन कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को हम सलाम करते हैं जो दिन रात एक कर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। हमें जब खुशी हो रही है जब SMS हॉस्पिटल जनाना और महिला से RUHS सहित निम्स से मरीज सही होकर जा रहे हैं और वो पुष्प देकर हमें दे रहे हैं, हम उन्हें दे रहे हैं, तो बड़ी खुशी मिल रही है। मैं आपसे एक अपील और करना चाहूँ आम जन, आपके माध्यम से आम जन से, कि जो चिकित्सक और नर्सेज आज उन कोरोना की संकट की घड़ी में हमारे लिए रात दिन एक कर रहे हैं, उनके लिए आप रोज़